नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। राजस्थान में कानून के रखवाले की हैवानियत पर हदें पार कर रहे हैं, इसकी बानगी जालौर जिले में सामने आई है। यह एक कांस्टेबल ने पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया है। जालौर शहर कोतवाली थाने में एक पुलिसकर्मी पर विवाहिता के साथ रेप करने का संगीन आरोप लगाया जा रहा है। कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। पुलिस के अनुसार शहर निवासी एक विवाहिता ने कोतवाली थाने के कांस्टेबल मेवाराम पर रेप करने और अश्लील फोटो खींचने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी कांस्टेबल ने न केवल रेप की फोटो खींच ली है बल्कि उनको सोशल मीडिया पर वायरल भी किए हैं। पीड़िता ने अपने पति के साथ कोतवाली पहुंचकर कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार कोतवाली थाने में तैनात जालौर शहर निवासी कांस्टेबल मेवाराम का पीड़िता के घर आना जाना था। कुछ दिन पहले पीड़िता घर पर अकेली थी, इस दौरान मेवालाल मिठाई का डिब्बा लेकर वहां पहुंचा। मिठाई खाते ही महिला बेहोश हो गई। आरोप है कि उसके बाद मेवालाल ने उसके साथ रेप किया और अश्लील फोटो खींच लिए, बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। आरोपी कांस्टेबल लंबे समय से कोतवाली पुलिस थाने में तैनात है। पीड़िता के परिवार वालों ने जान पहचान होने के कारण विवाहिता के घर पर आना जाना लगा रहता था। इसका फायदा उठाकर उसने मिठाई में नशीला पदार्थ मिला। आरोपी कांस्टेबल मेवाराम उसी बीट का प्रभारी है जहां महिला का निवास क्षेत्र है। सोशल मीडिया पर वायरल पुलिस कर्मी की करतूत चर्चा का विषय बना हुआ है। जालौर जिले में पूर्व में भी कई पुलिस कर्मियों के इश्कबाजी के मामले सामने आ चुके हैं।